परमाणु तहखाने में पहुंचे पुतिन। क्या नया एटम बम फिट करेंगे पुतिन? वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू। आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि रूस से आई इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया खौफ से कांप रही है। ये तस्वीरें पुतिन के उस परमाणु तहखाने की हैं, जिसमें दुनिया को भस्म करने वाला एटम बम रखा हुआ है। और अब देखिए पुतिन को उस बम के पास लेकर जाया जाता है, जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। पुतिन के अधिकारी एक एक बात की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को दिखाने के बाद पुतिन को परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, पुतिन को अधिकारी परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर मशरूम क्लाउड दिखता है। किसी भी परमाणु हमले के बाद इसी तरह का मशरूम क्लाउड उठता है और फिर कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मशरूम क्लाउड देखने के बाद पुतिन बाहर निकलते हैं और एक रजिस्टर पर साइन कर देते हैं। आखिर पुतिन के साइन के क्या मायने हैं? पुतिन ने किस ऑर्डर पर साइन किया है? दुनिया के चप्पे चप्पे में पुतिन का ये वीडियो देखा जा रहा है। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड किया जा रहा है, इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड किया जा रहा है, और कुछ देशों ने तो वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि पुतिन के परमाणु बम के निशाने पर कौन है। पुतिन गुस्से से लाल है। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर अमेरिका का पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस आ चुका है। पुतिन हर कीमत पर अब अमेरिका को घुटने पर लाना चाहते हैं। अपनी फौज के सामने पुतिन लगातार हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर नेटो के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है। पुतिन क्यों तिलमिलाए हुए हैं, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसकी तैयारी पुतिन कर भी चुके हैं। पुतिन के गुस्से का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि रूस ने मिसाइलें सेट कर दी हैं और इन मिसाइलों का ट्रिगर भी पुतिन के हाथ में पहुंच चुका है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का दिमाग रूस के आसपास ही घूमता है, वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस रहता है। पुतिन के दिमाग में सुपर पावर का पावर सेंटर व्हाइट हाउस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। उनके दिमाग में व्हाइट हाउस पर हमले की एक एक बारी कड़ी फिट हो चुकी है, और अगर अब अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन को एटम बम का ट्रिगर दबाने में देर नहीं लगेगी। पुतिन के इस एटम हमले के बाद व्हाइट हाउस ही नहीं, दुनिया का क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो खतरा सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए पुतिन के इस बयान को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पुतिन का यह बयान अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय कर सकता है। सुनिए पुतिन ने क्या कहा। Вероятный противник над этим работает. Новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия, с понижением порога применения. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности. И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы и применять, и ничего в этом особенно. पुतिन ने कहा सुधर जाओ वरना उड़ा दिए जाओगे। आखिर पुतिन क्रोध से लाल क्यों हो गए हैं, वो क्यों अमेरिका को ही भस्म करने पर आमादा है? तो सुनिए पुतिन के गुस्से के पीछे है बाइडेन का वो फैसला जिससे रूस सीधे सीधे अमेरिकी मिसाइल और हथियारों की जद में आ जाएगा। पुतिन के इस गुस्से के पीछे है अमेरिका का वो बयान जिसमें उसने कहा है कि वो जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अमेरिका और जर्मनी ने पिछले दिनों ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि अमेरिका
नेटो और यूरोपीय देशों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अब इस मैप के जरिए देखिए जर्मनी से रूस की कितनी दूरी है। दुनिया के नक्शे में जर्मनी यहाँ पर है और रूस यहाँ पर, और दोनों के बीच की दूरी है 5,417 किलोमीटर। रूस का दावा है कि अमेरिका ऐसी मिसाइलें तैनात करने जा रहा है जो सिर्फ 10 मिनट में रूस के सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। सुनिए पुतिन को वो क्या कह रहे हैं। В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. Америка не кахал, что Соединенные Штаты Америки ин мисайлов ки эпизодик тайнати ки тайярии мэ, जिसमें SM-6, टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे, जिनकी यूरोप में वर्तमान क्षमताओं की तुलना में लंबी दूरी की क्षमता होगी। पुतिन ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मीडियम रेंज की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिमी देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना चूके नहीं। आखिर पुतिन ने अमेरिका सहित नेटो को क्यों चेतावनी दी है? Ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов, ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. सुना आपने पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन कई बार अपनी मिसाइलों का दमखम दिखा चुके हैं, वो मिसाइलें तैनात करने की बात कह चुके हैं, वो एक तरफा रोक से खुद को अलग करने की बात कह रहे हैं। पुतिन ने इशारों में बड़ी बात कह दी है। दरअसल पुतिन के गुस्से की वजह है अमेरिका का वो ऐलान जो उसने जर्मनी को लेकर किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि वो जर्मनी में साल 2026 से लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने कहा कि वो जर्मनी में SM-6 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करेगा। अमेरिका ये तैनाती नाटो सदस्यों के प्रति अपने समर्पण दिखाने और यूरोप की कथित सुरक्षा के नाम पर कर रहा है। В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. अब समझिए कि आखिर क्या है रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जिसे बदलने की बात पुतिन बार बार कर रहे हैं। रूस का 2020 परमाणु सिद्धांत ये बताता है कि परमाणु या दूसरे सामूहिक विनाश के हथियारों या पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके किए गए हमले की प्रतिक्रिया के रूप में जब राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार रूस और अमेरिका अब तक दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं, जिनके पास दुनिया के लगभग 88% परमाणु हथियार हैं। दोनों अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जबकि चीन अपने परमाणु शस्त्रागार को तेजी से बढ़ा रहा है। सोवियत संघ के टूटने के बाद मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों ने अपने हथियारों की संख्या में भारी कटौती की, लेकिन कोल्ड वॉर के हथियार ढांचे में गिरावट आई। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि अब उन्हें एक नई हथियारों की दौड़ का डर है। अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि रूस, चीन और अन्य विरोधियों से बढ़ते खतरों को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को आने वाले वर्षों में अधिक रणनीतिक परमाणु हथियार तैनात करने पड़ सकते हैं। रूस के पास कितने टैक्टिकल वेपन? जब सामरिक परमाणु हथियारों की बात आती है तो रूस सबसे आगे गिना जाता है। रूसी हथियार गोदाम में अमेरिका और दूसरे नेटो गठबंधन की तुलना में ज्यादा टैक्टिकल वेपन है। विदेशी मीडिया के मुताबिक रूस के पास लगभग 2000 ऐसे एक्टिव टैक्टिकल वेपन मौजूद हैं, जो अमेरिका से 10 गुना अधिक है।
रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि अमेरिका के पास लगभग 200 सामरिक बम हैं, इसमें से आधे यूरोप में तैनात हैं। 0.3 से 170 किलो टन की अलग अलग क्षमता वाले ये 12 फीट के B-61 परमाणु बम इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम और नेदरलैंड के 6 हवाई ठिकानों पर तैनात हैं। इन हथियारों को अलग तरह की मिसाइलों, टॉर्पीडो और बमों के जरिए हवा, पानी या जमीन के रास्ते लॉन्च किया जा सकता है। यहां तक कि उन्हें एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाकर विस्फोट किया जा सकता है। हालांकि इस युद्ध को करीब से देख रहे एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ऐसी मिसाइलों का उत्पादन तब तक फिर से शुरू नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका विदेशों में मिसाइलें तैनात नहीं करता।